हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर स्टडी विथ मी प्रीति बोरा तो दोस्तों आज हम कवर करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का टेंथ शेड्यूल जिसको हम एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोलते हैं इस रिलेटेड हम जानेंगे कि कौन कौन से ग्राउंड में डिफेक्शन होती है मेम्बर्स के एंड कौन कौन से ऐसे ग्राउंड है जो एक्सेप्शन है कौन इस पे डिसीजन लेता है एंड सुप्रीम कोर्ट का इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आई एम प्रीति बोरा एन इंजीनियर टर्न पॉलिटिकल साइंस पोस्ट ग्रेजुएट ऑल्सो क्वालिफाइड एस असिस्टेंट प्रोफेसर अंडर यूजीसी नेट इन टू थाउजेंड नाइनटीन और मैं यूपीएससी पी एस आई आर ऑप्शन यूजीसी नेट लॉ सिलेटेड सारी जो पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करती हूँ एंड स्टूडेंट्स को मेंटर करती हूँ पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड एंड आल्सो आई एम एन करियर काउंसलर तो दोस्तों आपको जिसको भी जो क्वेरी हो पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड एंड इन जनरल कि कैसे पढ़ाई करें एंड कैसे तैयारी करें वो सारी क्वेरीज आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं वाया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम फेसबुक ईमेल youtube में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कम्युनिटी का यूज कर सकते हैं youtube में एंड मैं कोशिश करूंगी कि मैं सबकी क्वेरीज जल्द से जल्द निपटा दूं तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं टेंथ शेड्यूल टेंथ शेड्यूल आया था 52nd अमेंडमेंट 1985 में एंड इसको हम बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ देखिए इसमें बताया गया है कि जो मेंबर्स हैं उनका डिफेक्शन कैसे होता है यानी कि डिफेक्शन मतलब जैसे जो जैसे पार्टी लोग स्विच कर लेते हैं और भी बहुत सारे अकाउंट हैं तो इन सब बेसिस पे उनको कैसे डिस्कवालीफाई किया जाता है तो पहला हम केस देखते हैं मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी कैसे डिस्कवालीफाई होता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो दो कंडीशन में डिस्कवालीफाई किए जाते हैं एक अगर वो वॉलेंटरली यानी कि अपनी मर्जी से अपनी जो मेंबरशिप है उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की गिव अप कर दे की छोड़ दे क्योंकि देखो अगर वो पर्टिकुलर मेंबर उसी पॉलिटिकल पार्टी की बदौलत उस पर्टिकुलर सीट में बैठे हुए हैं किसी लेजिस्लेचर में या पार्लियामेंट में तो एंड वो बाद में पार्टी स्विच कर रहे हैं तो ये एक्चुअली क्या होता है कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट होता है इसलिए ये सारे जो मेजर्स हैं उनको एंटी डिफिक्शन लॉ के अंदर लाया गया क्योंकि पहले अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो आया राम गया राम वाली स्टोरी आप सभी को पता है कि लोग पार्टी के लालच में एंड सीट के लालच में बहुत सारी पार्टी स्विच करते रहते थे जो कि अगर हम देखें तो कोई हर एक पॉलिटिकल पार्टी की अपनी अपनी कोई ना कोई आइडियोलॉजी होती है तो आप इतनी जल्दी एकदम एक्सट्रीम आइडियोलॉजी कैसे शिफ्ट कर सकते हो इसका मतलब यही है कि आप रिप्रेजेंट करने के लायक नहीं हो एंड आपको अपने पर्सनल बेनिफिट से ज्यादा मतलब रादर देन की जो मेजोरिटी जो पॉपुलेशन है जिन्होंने आपको उधर तक पहुंचाया है उनके जो भी इश्यूज़ है उनको सॉल्व करने में और रिप्रेजेंट करने में तो इसलिए ये लॉ आया 1985 में एंड अगर कोई भी मेंबर वोट करता है या फिर जैसा पार्टी ने बता रखा है वैसा वोट नहीं करते पार्टी की परमिशन लिए बिना तो अगर पार्टी पंद्रह दिन तक जैसे कुछ बोले ना उनको ये सब तो उनको डिफेक्शन लॉ के अंदर डिस्कालीफाई कर दिया जाता है ये तो था फर्स्ट केस अगर कोई मेंबर हो पॉलिटिकल पार्टी का अब हम नेक्स्ट केस देख लेते हैं इंडिपेंडेंट मेंबर का जो इंडिपेंडेंट मेंबर होते हैं ना देखो वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का पार्ट नहीं होते इंडिपेंडेंटली वो लड़के अपनी सीट ग्रैप करते हैं एंड वो जो पर्टिकुलर पब्लिक है जिन्होंने उनको इंडिपेंडेंटली जिताया है उनको रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन एक बार उनको सीट मिल गई एंड उसके बाद अगर उन्होंने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली इसका मतलब क्या हुआ कि जो पब्लिक के पास तो इलेक्शन के समय भी चॉइस थी कि वो उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी वालों को वोट करे कि आपको वोट करे लेकिन आपको वोट किसी और इंटरेस्ट में किया था तो आप वो इंटरेस्ट ब्रीच कर रहे हैं तो इसलिए आप डिस्कालीफाई करे जाते हो इस वजह से इसलिए इंडिपेंडेंट मेंबर्स को अगर वो पार्टी ज्वाइन कर ले कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उनको डिस्कवालीफाई कर देते हैं अब तीसरा केस देखते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स का देखिए आपको पता ही होगा कि जब जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी बन गया तो उसके बाद प्रेसिडेंट लोकसभा में तो एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट नहीं करते बट राज्यसभा में देखिए बारह जो मेंबर्स हैं उनको नॉमिनेट किया जाता है ये सारे मैंने के आर्टिकल्स में ऑलरेडी बता रखा है एंड uh, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो डिसक्वालीफाई कर दिए जाते हैं कि अगर वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करें छह महीने बाद जब उनकी सीट जब वो आए हैं उससे छह महीने बाद अगर वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करे तो अब इस पे एक्सेप्शन क्या है अगर कोई भी मेंबर पार्टी लीव करता है एज द रिजल्ट ऑफ मर्जर यानी कि समझ लो दो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनका मर्जर हुआ है मतलब क्लब कर दी गई दो पॉलिटिकल पार्टी एंड वो उनको मंजूर नहीं है तो तो वो निकल सकते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी के लेकिन मर्जर कोई भी पार्टी का कब कह कब कहलाया जाएगा मर्जर तब कहलाया जाता है कि जब टू थर्ड जो मेंबर्स होते हैं उस पार्टी के वो एग्री कर जाए कि हाँ मर्जर पॉसिबल है और ये टू थर्ड करा गया फर्स्ट अमेंडमेंट से उससे पहले ये एक प्रोविजन था कि अगर वन थर्ड मेंबर निकल जाते हैं तो ये इसलिए कि समझ लो अगर तीन ही मेंबर है तो एक ही निकल गया तो तो फिर वो उसी में काउंट हो जाएगा तो डिफेक्शन के अंदर तो आएगा नहीं तो इसलिए मैक्सिमम उसको सिक्योरिटी देने के लिए नेक्स्ट इसमें ये भी बोला गया है कि जो मेंबर हैं जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर इलेक्ट हो जाते हैं जैसे स्पीकर डिप्टी स्पीकर चेयरमैन वाइस चेयरमैन उनको ये छूट होती है कि वो अपनी मेंबरशिप वॉल्टेली गिवअप कर सकते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की और जब उनका ऑफिस का, का काम पूरा हो जाए तो वो उस पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं ये बहुत ही अच्छा स्टेप है क्योंकि इससे क्या होता है 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 कि जो वो वो पर्टिकुलर ऑफिस देख रहे हैं उसकी मेंटेन मेंटेन रहती है, रहती एंड डिग्निटी भी नेक्स्ट इस पे डिसाइड कौन करता है कि ये डिफेक्शन है कि नहीं है देखिए पहले जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर था जैसे अब लोकसभा का एग्जाम्पल ले लीजिए तो स्पीकर उनका डिसीजन फाइनल होता था एंड है मतलब उन्हीं का डिसीजन फाइनल होता है लेकिन पहले ये जो डिसीजन था इसको हम कोर्ट में क्वेश्चन नहीं कर सकते थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये सुप्रीम कोर्ट के जो के खिलाफ है इसलिए वो इसलिए उस पर अब ज्युडिशल रिव्यू होता है इस पे और भी बहुत सारी डिबेट है कि ये जो डिफेक्शन है ये डिसाइड करने की पार में इलेक्शन कमीशन को भी इंक्लूड किया जाए एंड इस पे मैंने जब मैंने सरकारिया कमीशन बताई थी पूं कमीशन बताई थी उसकी रिकमेंडेशन तो मैंने बताया था कि डिसक्वालिफिकेशन पे जो थोड़ा हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है डिसाइडिंग अथॉरिटी पे एंड उससे हमारा फेडरल स्ट्रक्चर और स्ट्रांग होगा तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मैं वीडियो खत्म करने से पहले एक चीज बता चाहती हूँ कि मैंने पॉलिटिकल थ्योरी की प्लेलिस्ट भी बना रखी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ तो आप दोनों आप करें, सजेशन है तो उसको भी कमेंट कर सकते हैं सब्सक्राइब करें चैनल को चैनल से जुड़े रहने के लिए शेयर जरूर करें इस वीडियो को थैंक नाइस डे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय